أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام المتقين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين मुहर्रमुल हराम, इसमें 10 मुहर्रम अभी एक दिन पहले ही गुजरा है, परसों। गो के इस मौजू पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हमारी पहले मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद पहले ख्याल कुछ और था, लेकिन इसके बावजूद दोबारा से बड़े मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू इस मौजू पे हम करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ हमारे करीबी अजीज जो हैं उन्होंने कुछ बातों की तरफ तवज्जो दिलाई है। पिछली गुफ्तगू जो बहुत तवील थी, तो उनकी ख्वाहिश है कि जरा मुख्तसर करके बात की जाए ताकि दोस्तों तक पहुंचाना आसान। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आपके भाई हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको हम हसनैन करीमैन कहते हैं, अहले बैत और हसनैन करीमैन के फ़ज़ाइल, आपके मनाक़िब जो सही या मुतवातिर या हसन अहादीस मुबारका से या अकवाल सहाबा से मौजूद हैं, उनकी तादाद काफी ज्यादा है। और किससे कहानियां तो खैर बहुत है, वो तो आपको पता ही है, हमारे हर मामले के अंदर किससे कहानियां बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद हमारे यहां खास तौर पे जैसे ही मुहर्रम आता है तो कुछ अजीबोगरीब किस्म की पोस्ट और अजीबोगरीब किस्म की बातें गर्दिश करने लगती है। हसनैन करीमैन और अहले बैत के मनाकिब के हवाले से बहुत मुख्तसर चंद एक रिवायात अहदीस मुबारक में पेश करता हूं आपको। पहले हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनके भी मनाकिब में किसी किस्म का कोई शुबा नहीं किया जा सकता। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा वाज़ेह तौर पे फरमाया कि वो जन्नत में औरतों की सरदार है। और अपने नवासे दोनों हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के बारे में भी बड़ा वाज़ेह तौर पे आपके अल्फाज हैं कि ये जन्नत में जवानों के सरदार। और ये तिर्मिज़ी ने भी इसको बयान किया और हाकिम ने भी इसको बयान किया। मुकम्मल जो अहादीस हैं वो कई बहुत तवील हैं, तो जो उसमें खुसूसी जो खास आज की गुफ्तगू से मुताल्लिक जो अल्फाज हैं वो मैं आपके सामने पेश करूं। और हाकिम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में भी साथ में एक जुमला कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सब कुछ फरमाया तो साथ में ये भी फरमाया कि इनके वालिद इनसे बेहतर। यानी अगर फातिमा जो है वो रज़ियल्लाहु ताला वो औरतों की सरदार हैं और नवासे रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन जन्नत में जवानों के सरदार हैं, तो अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का अपने बेटों से एक, इसकी जो कुछ मुहद्दिसीन ने तफसीर की है वो ये की है कि वो इनसे बेहतर मुकाम, बेहतर मुकाम से मतलब जैसे ये अगर जवानों के सरदार हैं तो उस हवाले से, मुकाम को हम उस तरीके से नहीं देख रहे कि जन्नत में दर्जा अव्वल दर्जा दो, उस हवाले से नहीं देख रहे। फिर आपने ये भी फरमाया कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। ये अल्फाज आपको बुखारी में भी मिलेंगे और ये अल्फाज आपको तिर्मिज़ी में भी मिलेंगे। फिर इन दोनों का मुकाम इससे ज्यादा क्या, उसके अंदर हमें दलील चाहिए और सबूत चाहिए
कि तिर्मिजी में भी है, अबू दाऊद में भी है, निसाई में भी है, अहमद में भी है, इसके अलावा भी बहुत जगहों पे होगा। ये जो कुछ चंद में नाम दे देता हूं जिनके बारे में मुझे किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है कि मस्जिद नबवी में सजदे के दौरान कहीं पर कहा हसन ऊपर चढ़ गए, कहीं पर कहा हुसैन ऊपर चढ़ गए, और कहीं पे दोनों का तस्करा है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सजदा तबील कर दिया। ये भी थोड़ी बड़ी हदीस है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने महसूस किया कि सजदा बहुत तबील हो गया है, तो उनमें से जो रावी हैं उन्होंने थोड़ा सा कि खुदा ना खास्ता कोई मसला तो नहीं है, तो उनकी नजर पड़ी तो ऊपर नवासे जो है वो थे। तो नमाज के दौरान ये कोई छोटा मुकाम नहीं है, छोटी बात नहीं। इसके अलावा आपने फरमाया कि अली, फातिमा, हसन और हुसैन इनके बारे में जो इनसे जंग करे मैं उनका दुश्मन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो इन्हें महफूज रखे मैं उनका मुहाफिज हूं। ये भी तिर्मिज़ी में है। फिर आपने फरमाया कि ये जो दोनों हैं ना, ये दुनिया में मेरे दो फूल हैं, बुखारी में। फिर बुखारी ही में एक रिवायत में हदीस से ये भी पता चलता है कि हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत ज्यादा मुशाबहत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आपकी एक दुआ तिर्मिज़ी में मौजूद है कि ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से मोहब्बत रखता हूं, इसलिए तू भी इन दोनों से मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा जो इन दोनों से मोहब्बत रखे। तिर्मिज़ी। इमाम निसाई रहमतुल्लाह अलैह ने तो एक पूरी किताब मुनाकिब हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरतीब दी थी, और इसी वजह से उनको जदोकोब किया गया, उनको मारा पीटा गया, यहां तक कि आप शहीद हो गए। तो ये अहले बैत से दुश्मनी, अल्लाह माफ करे, अस्तग़फिरुल्लाह। इसके बाद कोई बात रह ही नहीं जाती कि जब कह दिया कि जो इनसे जंग करे मैं उनका दुश्मन, इसके बाद कोई चीज रह ही नहीं जाती कि मैं इनसे मोहब्बत रखता हूं इसलिए तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उससे भी मोहब्बत फरमा जो इन दोनों से मोहब्बत रखे। कोई बात यहां पे इसके बाद कोई, मैं समझता हूं मजीद फजाइल में कहने को तो मुनाकिब अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो किताब है निसाई की, अगर वो मैं शुरू कर दूं तो घंटों बात हो सकती है, लेकिन इसके बाद जरूरत रहती नहीं है। अच्छा, इसमें होता क्या है कि हमारे यहां एक अजीब चलन है। मुझे एक दफा एक साहब ने रब्ता किया कि ये आपकी महाफिले जिक्र नाथ के अंदर हमेशा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की मनकबत पढ़ी जाती है, आपने कभी अबू बकर की मनकबत तो पढ़ी नहीं रजी अल्लाह ताला। मैंने उनसे अर्ज किया, मैंने कहा दो बात, एक तो किसी की मनकबत पढ़ना और किसी की ना पढ़ने से ये मतलब नहीं है कि जिसकी नहीं पढ़ रहे खुदा ना खास्ता हमारे यहां उनसे अकीदत नहीं है या हमारी उनसे दो किसी किस्म की वो है, ये मतलब नहीं बनता। क्योंकि अगर इस डगर पे हम चलेंगे तो फिर अबू बकर, उमर, उस्मान, रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और फिर और भी बेताज बहुत तवील असहाबे बदर ही सिर्फ ले लीजिए आप, बहुत तवील फहरिस्त है, फिर सबकी मनकबत पढ़ने चाहिए। दूसरा मैंने उनकी ये कह के तसल्ली की, मैंने कहा जनाब बात यह है कि मेरी रूहानी सनद जो है, मुत्तसिल सनद जो है ग़ालिब, वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आती है, इसलिए मैं उनकी मनकबत पढ़ता हूं। आपकी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से आती है, आपने खुद आज तक कभी उनकी मनकबत नहीं पढ़ी, आपको पढ़नी चाहिए थी, आप लोग तो पढ़ते नहीं हैं, हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको उस पर एतराज़ है।
तो आप अगर ये मनाकिब मैंने बयान किए, ये फजाइल बयान किए, हालांकि मैंने मुस्तनद अहदीस का इस्तेमाल किया, मोतबर अहदीस का इस्तेमाल किया मैंने, मगर इसके बावजूद हमारे का चलन ये है, वो कहेंगे अच्छा इसका मतलब है दूसरी तरफ शायद आपको भी मसला है। तो जनाब मैं बड़ा वाजे तौर पर अर्ज कर दूं कि हम लोग दोनों तरफ से आजिज हैं, नासबियत से भी और राफिदियत से भी। अगर किसी एक की बात करने से आप ये मतलब लेना चाह रहे हैं कि शायद ये दूसरी तरफ है, या दूसरे की बात करने से लेना चाह रहे हैं कि शायद ये इस तरफ है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। हम दोनों से बरी उज़िमा हैं, हम नासबियत और राफिदियत दोनों गलत करते हैं। बाकी जो मामलात हैं इन्हीं अहदीस की रोशनी में कुछ और सवाल उठाए जा सकते हैं, वो इंशाल्लाह जब हमारा दौरे फितन के हवाले से जब तारीख पे चलते हुए गुफ्तगू आएगी तो वहां पे मामला साफ हो जाएंगे। अभी अगर उन मामला में मैं पढ़ा तो बात हमारी बहुत ज्यादा तवील हो जाएगी। अच्छा, दूसरा जो आज मैं गुफ्तगू करना चाह रहा हूं उस पर भी पहले गुफ्तगू बड़ी तवील हो चुकी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ही तवील थी। कुछ मुझे एक हदीस जो है वो भेजी गई कि मेरी उम्मत में सबसे पहले जो कुस्तुनदुनिया में जंग करेंगे वो मखफूर हैं, और कहा गया कि जी ये जो जंग हुई थी ये तो यजीद ने की थी और यजीद इसका सिपा सालार था, तो आपकी राय यजीद के बारे में इतनी मनफी जो है वो क्यों है। मैं तो मैं सबसे पहले तो पूरी जिम्मेदारी से अर्ज कर दूं कि यह हदीस के अल्फाज है ही नहीं। कुस्तुम दुनिया का लफ्ज इस हदीस में किसी जगह मौजूद नहीं है, यह झूठ किया है जिसने भी किया है। कुस्तुम दुनिया से मुताल्लिक एक हदीस अहमद मुस्नद अहमद में मिलती है, लेकिन उसके अल्फाज ये है कि तुम जरूर कुस्तुम दुनिया को फतह करोगे, ये नहीं है कि लड़ने जाओगे, फतह करोगे, और क्या ही अच्छा अमीर होगा जो उसका अमीर होगा, और क्या ही अच्छा लश्कर होगा वो जो लश्कर होगा। बाकी किसी हदीस में कुस्तुन दुनिया का इस हवाले से लफ्ज नहीं है। जो अल्फाज है वो है कि मेरी उम्मत में सबसे पहले जो लोग कैसर के शहर में जंग करेंगे वो मकफूर है। तो मेरे पास दो पोस्ट आई, एक के अंदर कुस्तुन दुनिया लिखा हुआ था, एक में कैसर के शहर के आगे ब्रैकेट में कुस्तुन दुनिया लिखा हुआ था। ये भी झूठ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये अल्फाज बयान फरमाए थे, कैसर का शहर कुस्तुन दुनिया नहीं था, कैसर का शहर हिम्स था, और हिम्स मुसलमानों ने फतह कर लिया था। कैसर जब भागा था तो जाके उसने बाद में कुस्तुन दुनिया को जो है वो अपना मरकज बनाया था, और हिम्स पे जो पहला हमला हुआ था वो 15 हिजरी में हुआ था, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था, यजीद तो उसको पैदा भी नहीं हुआ था। लेकिन अगर आप कुस्तुन दुनिया पर ही बजिद है, नहीं जी कैसर का शहर कुस्तुन दुनिया ही मानना है, तो भी मैं अर्ज कर दूं कि कुस्तुन दुनिया का पहला हमला जो है वो 32 हिजरी में हुआ था, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का जमाना था, उस वक्त यजीद की उम्र तकरीबन 6 साल की थी। दूसरा हमला जो है वो 43 हिजरी में हुआ था, उसमें यजीद ने शिरकत नहीं की थी। तीसरे हमले के बारे में थोड़ा सा इख्तलाफ है, कुछ लोग कहते हैं 44 हिजरी है, कुछ लोग कहते हैं 46 हिजरी, 44 और 46, इनमें इसमें भी यजीद ने शिरकत नहीं की थी। चौथा हमला जो है वो कुछ की राय में 51 हिजरी में है, कुछ की राय में 52 हिजरी में है, 51 और 52, इसमें यजीद की शिरकत हुई थी। सबसे पहले तो ये पहला हमला नहीं था, अगर आप उसका मतलब कुस्तुन दुनिया भी ले लें तो उसका ये मतलब नहीं बनता। दूसरा, यजीद की शिरकत हमारी किताबों में जो लिखी हुई है उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि वह जबरन थी, ना भी हो तो भी चौथा हमला था जिसके अंदर यजीद जो है वो
वो गया था और पहले तीन हमलों का यजीद से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हदीस खामखा जोड़ना जरूरी नहीं है। अगर आपको शौक है यजीद के फजाइल बयान करने का तो कोई इससे बेहतर चीज ढूंढिए जो कि इंशाल्लाह आपको मिलने नहीं लगी, क्योंकि अहदीस मुबारक जब आप पेश करेंगे तो फिर अभी ये जो हदीस है बुखारी की इस पे बहुत से लोगों ने इस हदीस पे भी कलाम किया हुआ है, लेकिन मैं उस बहस में इसलिए नहीं पढ़ रहा कि फिर बुखारी से बहुत से लोग जो हैं वो फिर अगर किसी हदीस पे हम बात करें तो बहुत से लोग जो है बड़े बड़े उलमा जो है उस पर बुरे वो टैक्स में आ जाते हैं, इसलिए मैं बात नहीं करता। इसलिए बराह रास्त सिर्फ उन अल्फाज पे मैंने गुफ्तगू आपके साथ की। ये जो मामला है इस मामले की पेशन गोई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पहले ही अपनी हयात ज़ाहरी में दे दी थी और उसके अंदर ये अहमद में रिवायत मौजूद है, थोड़ी सी तवील है लेकिन उसके अंदर जो अल्फाज आए हैं वो ये आए हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फरमाना है कि भी आपसे पूछा तो कहेंगे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने खबर दी है कि हुसैन को रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरात के किनारे शहीद किया जाएगा और इस हदीस के अल्फाज है कि फरात की मट्टी भी ला के दिखाई गई अहमद ही के अंदर एक और भी हदीस मौजूद है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी हैं हम आप जानते हैं, उन्होंने कहा कि एक दिन मैंने दोपहर के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। अब एक चीज का ज़हन में रखें कि हमारे आपके को अगर ज़ियारत हो जाए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या एक ऐसे सहाबी को ज़ियारत हो रज़ियल्लाहु अन्हु जिसने साथ वक्त गुजारे, दोनों बातों में बहुत फर्क है, ये एक ऐसी बात नहीं है। तो आप कहते हैं कि मैंने दोपहर के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, मुफस्सरीन ने ब्रैकेट में ख्वाब लिख दिया कि ख्वाब में देखा कि आपके बाल मुबारक बिखरे हुए हैं और आप पे गर्द पड़ी हुई है और आपके पास एक शीशी है जिसमें खून है और मैंने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उसके साथियों का खून है जिसे मैं आज सुबह से इकट्ठा कर रहा हूं। इसमें ताबई है एक अम्मार रहमतुल्लाह अलैह, वो ये कहते हैं कि वो जो ख्वाब वाला दिन था ना हमने वो याद रखा और बाद में हमने तस्दीक की कि ये ख्वाब वाला दिन जो था ये वही दिन था जिस दिन हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए थे। बाकी मेरी मनफी राय यजीद के बारे में क्यों है उसकी बेतहाशर वजूहात हैं, हमारे अलमा की भी यही उनका भी यही चलन रहा है। इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह का कौल इब्न जौज़ी ने सही सनद के साथ बयान किया है कि उन्होंने कहा कि यजीद से तो हदीस रिवायत करना भी जायज बाकी हम लानत मलामत में पढ़ने वाले लोग नहीं हैं, हम उसकी बजाय इमाम आली मुकाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जितने भी अहले बैत हैं जितने भी आइमा हैं हम बजाय किसी पे भी लानतान करने के ये पसंद करते हैं कि हम दुरूद शरीफ पढ़ें अज़कार का एहतमाम करें महाफ़िले ज़िक्र का एहतमाम करें और वो जो हमारी मुख्तसिसी कोशिश है उसको हम बतौर हदिया आपकी शान में पेश करें ताकि अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए और हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत बढ़े और हम समझते हैं कि ये हमारी निजात का जरिया हो सकता है। जैसा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो भी थोड़ी देर पहले मैंने रिवायत बयान की हदीस बयान की उसके अंदर अल्फाज हैं
अल्लाह तबारक व तआला से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तू भी इनसे मोहब्बत फरमा और उनसे भी मोहब्बत फरमा जो इनसे मोहब्बत करते हैं। और फिर अहले बैत के हवाले से और बहुत सी बेतहाशा मुस्तनद मोहतबरा अहदीस मौजूद। तो ये दो चीजें मुख्तसर मुझे कहा गया था कि इस पर बात करूं, मैंने बात कर दी। बाकी तारीख के हवाले से अगर कभी यजीद पे, या चूंकि वो इरादा तो है हमारा पूरा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दोस्तों ने यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स ने काफी ज्यादा कहा, कभी बनू मैया का पूछा, कभी बनू अब्बास का पूछा, फिर उस्मानियों का पूछा, ये जो सल्तनत उस्मानिया है इसका पूछा, फातवीज का पूछा। तो वो इंशाल्लाह अपने अपने वक्त पे अल्लाह की दी हुई तौफीक पर उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन आज से ये दो नुकते मैं अर्ज कर दूं कि हम अहले बैत से मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझते हैं, और ये इस तरह से जबरदस्ती हदीसों को किसी से जोड़ के उसके बारे में कुछ साबित करना, आप नहीं मानना चाहते ना माने, आप मानना चाहते हैं माने, हमने आपको असल बात बयान कर दी। अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, फहम अता फरमाए। وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.